स्वागत है स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए अब ये सवाल करते हैं स्प्रिंग 2019 क्वेश्चन 5 डेजी लिमिटेड का, सर अली अहमद की। चाहते हैं पहले एंट्री पास कर दूं मैं सर अली के लिए फॉर फी रिसीवेबल डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। यस जो आई होप सर अली ये वीडियो देखें। चलिए अभी सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में हमें क्या दिया गया है? इस सवाल में हमें कह रहा है बच्चों को डेजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स प्रोडक्ट जी। डीएल लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जब भी ये वर्ड आए, जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का वर्ड आए, तो सबसे पहली चीज जो हमारे भेजे में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि जो आपका एफ ओ एच होगा उसके दो वेरियंसेस निकलेंगे, एक एक्सपेंडिचर का एंड एक वॉल्यूम का, ओनली इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैकेनिज्म। ये बात हमेशा याद रखना आप लोग, वॉल्यूम वेरिएंस जो होता है ये हम सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैकेनिज्म में यूज करते हैं। अगर ये सवाल में सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग का होता, कि कहता है स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता, सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता। इन केस ऑफ बोथ आता है, मार्जिनल में भी और एब्जॉर्प्शन में भी। मगर सिर्फ मार्जिनल होता तो सिर्फ और सिर्फ में एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालता। अब जब भी हमारे पास ये चीज़ आती है तो हमें पता चलता है कि हमें ओ ए आर के हिसाब किताब से हर चीज़ करनी पड़ेगी, हमें ओ ए आर कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू प्रोडक्ट जी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2019। एक मंथ का डेटा है हमारे पास, साल का नहीं है। अब ये सबसे पहले आ गया हमारे पास क्या, प्रोडक्शन बजट की, वो कितनी है 27,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे और इसमें हमारी कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए थी, X की 16,000 और Y की 14,000। ये इनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट है आपकी 6.4 मिलियन और 4.2 मिलियन। अपेरेंटली एक छोटा सा इशू सवाल में ये है कि यहाँ यूनिट्स नहीं लिखा होना चाहिए था, क्योंकि जब आपका इनपुट केजीज में है तो आपका आउटपुट भी जो था वो भी केजीज में दे दिया गया होता तो हमारे लिए चीज़ क्लियर हो जाती। तो अपेरेंटली हमें यही लग रहा है कि एक छोटा सा इश्यू, तो मैं सवाल के लिए मैं इसको अज्यूम करूंगा कि मेरे पास ये केजीज है, मतलब इसके अंदर कि मुझे 30,000 इनपुट जब करता हूँ तो मुझे कितना आउटपुट मिलता है, 27,000 का। तो इफेक्टिवली मैं देखूँ तो 10% ऑफ इनपुट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है ये देखते हैं हम, कि अगर 30,000, अगर मैं ये देखूँ कि एक्स है और वाई है, इसके 16,000 और इसके 14,000 यूनिट बनते हैं, तो ये 30,000 होता है और 27,000 का मेरा आउटपुट आता है, तो अपेरेंटली मेरा 3,000 का क्या है, लॉस है अपेरेंटली मेरा, ही देखा जाए तो कि मेरा लॉस होता है इनपुट का। सही है, अब आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये गिवन है कि डायरेक्ट लेबर के 10 घंटे लगते हैं, 220 रुपये का पर आवर है। आगे हमारे पास है कि एफ ओ एच, फैक्ट्री ओवरहेड्स। आंखें खोल के देख लो, इन दिमाग में ये बात डाल लो कि फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स ओवरहेड नहीं होता। अक्सर लोग एग्जाम में फैक्ट्री एंड फिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और ब्लंडर कर जाते हैं कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है जिसमें 9 लाख का सिर्फ आपके पास फिक्स्ड है और बाकी आपके पास वेरिएबल एफ ओ एच है। तो बच्चों अगर मेरे पास 250,000 का पर लेबर आवर है, ठीक है, 250 पर लेबर आवर है एंड इसमें 9 लाख के फिक्स्ड हैं, इनको अगर मैं डिवाइडेड बाय कर दूं कितने घंटे हैं, 10,000 घंटे, क्योंकि पर लेबर आवर की बेसिस पे कह रहा है, तो इसका मतलब कि अपेरेंटली मेरा 90 रुपये का फिक्स्ड ओवरहेड है पर यूनिट पे और 160 रुपये का वेरिएबल ओवरहेड है। मतलब मैं इसकी छोटी सी यहाँ पे ये देखूँ, अगर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड अगर 250 का है तो उसमें मेरे पास क्या है, फिक्स्ड मेरे पास कितना है, 9 लाख
डिवाइडेड बाय 10,000 घंटे, तो मेरे पास 90 है और बाकी मेरे पास क्या है, बैलेंसिंग फिगर ले लो, ये वेरिएबल बैलेंसिंग आपकी आ गई 160। कुछ बच्चे जो बहुत ही अजीब से सवाल पूछते हैं उनके लिए ये भी कर लो भाई, 250,000 माइनस 90,000 डिवाइडेड बाय, तो ये आपका इस्तेमाल 160 आ जाता है। अब चले जी, फिर वो कह रहा है कि एक्चुअल आपका जो मटेरियल कितना यूज हुआ, उसने बात नहीं कि एक्चुअल इनपुट मेरा कितना है, उसने बोला कि एक्चुअल इनपुट एक्स एंड वाई का है 55 एंड 45। अब वो हमें कह रहा है आगे कि डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, एक्चुअल लॉसेस आर 6% ऑफ द आउटपुट। अब देखिए ऊपर स्टैंडर्ड बजट में अपेरेंटली लॉसेस इनपुट पे हमें नजर आ रहे थे, बट एक्चुअल में एग्जामिनर ने इसको रिलेट किया आउटपुट से, इसका मतलब जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है एक्चुअल में उसका 6% लॉस हुआ है, 6% लॉस हुआ जितना ही मेरा आउटपुट हुआ उसका एक्चुअल। यानी बच्चों आपका 106% इनपुट होगा, उसमें से 6% लॉस आएगा, तो आपके पास आउटपुट 100% गुड रह जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं देयर इज नो चेंज इन डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस ड्यूरिंग द मंथ में इसका कोई चीज नहीं है, इसका मतलब है मटेरियल प्राइस वेरियंस शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो, प्राइस वेरियंस निकल गया, अब मेरे पास जो भी टोटल वेरियंस होगा वो बराबर होगा यूजेज वेरियंस के, एंड यूजेज वेरियंस बराबर है मिक्स एंड यील्ड के, क्योंकि दो इनपुट्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है, एंड जहां भी एक से ज्यादा इनपुट होता है वहां हम मिक्स एंड यील्ड वेरियंस कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर अगर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है तो, मतलब एक्स एंड वाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी एक मिसाल लेता हूं, मतलब मैं दूध वाला शरबत बना रहा हूं, ठीक है, तो उसमें क्या मैं समझता हूं कि मैं 5 लीटर उसके अंदर मैं दूध मिला देता हूं और 2 लीटर शरबत बना लेता हूं, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 5 की जगह 4.5 लीटर मैं दूध मिला लूं और 2.5 लीटर मैं शरबत मिला लूं, इससे शरबत की क्वालिटी खराब नहीं होगी, बस थोड़ा सा टेस्ट में फर्क हो जाएगा, थोड़ा मीठा ज्यादा हो जाएगा, मगर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। लेकिन कुछ ऐसी एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं होती, मिसाल ने एक पंखा, जब मैं पंखा बना रहा था तो एक लट्टू चाहिए होता है मुझे और 3 पड़ चाहिए होते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार 4 पड़ लगा के एक पंखा बना लूं, नहीं कह सकता ना, ना मैं ये कह सकता हूं कि 2 लट्टू लगा दूं, तो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस वहां पॉसिबल है जहां थोड़ी बहुत सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। अब मैं आगे देखता हूं तो ये कहता है कि डायरेक्ट लेबर इंक्रीजेस वेजेस बाय 12% एंड अगेंस्ट द बजटेड इंक्रीज ऑफ 8%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट लेबर के जो स्टैंडर्ड रेट है ना उसमें ऑलरेडी 8% जो आपका 220 है इसमें ऑलरेडी 8% का इंक्रीज डला हुआ है। अब 8% का इंक्रीज कैसे डला होगा, या तो लास्ट मंथ का कोई फिगर होगा या लास्ट ईयर की कोई इनकी रेट की होगी, उसके ऊपर इन्होंने 8% का इंक्रीज बिल्डअप करके इस मंथ या साल का बजट इन्होंने बना दिया होगा। अब एक्चुअल में हुआ ये कि 8 नहीं 12% आपका इंक्रीज हो गया, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा उस रेट पर जिस पर 8% का इंक्रीज लगा है और फिर आप उस पर 12% का इंक्रीज बिल्ट इन करेंगे फॉर एक्चुअल रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब आगे ये कह रहा है विच इंप्रूव द लेबर एफिशिएंसी बाय 5%। इसका मतलब कि वेजेस इंक्रीज करने की वजह से लेबर को एहसास हुआ कि हम हरामखोरी कर रहे हैं एंड अब पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो एफिशिएंट हो गए, एफिशिएंट क्या हुआ हमें 5% का उन्होंने एफिशिएंट काम करके दिया, मतलब पहले जो काम मैं 10 घंटे में करके देते थे अब वो 9.5 घंटे में करेंगे। अब वो कह रहा है कि ड्यू टू हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रेट वॉज 6% हायर देन बजटेड रेट, 6% हायर देन दी बजटेड रेट। इसका मतलब है कि ओवरहेड के दोनों विंग्स मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों विंग्स 6% से बढ़ गए हैं, कोई एक नहीं, जब हम दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे हम दोनों में इस चीज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस, सही है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कन्वर्जन कॉस्ट आउटपुट पे इंकर हुई है इनपुट पर नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, एंड मैं अज्यूम करूंगा कि लॉसेस शुरू में ही एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस निकल गए,
तो इसका मतलब जो लेबर लगी होगी, जो फैक्ट्री ओवरहेड लगा होगा, वो आउटपुट पे लगा है, इनपुट पे नहीं लगा, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट का जो डिफरेंस है लॉस, वो शुरू में ही एलिमिनेट हो गया। उस पर ना लेबर लॉस ना उस पर ना लेबर लगा लॉस यूनिट्स पर, और ना ओवरहेड्स लगे। फिर उसने लिखा कि हमने 27,400 यूनिट्स प्रोड्यूस करके फिनिश गुड्स को दे दिए, मतलब एक्चुअल जो मैंने प्रोडक्शन कर दी वो 27,400 यूनिट्स की कर दी। ओपनिंग क्लोजिंग WIP मुझे नहीं दिया हुआ, और इन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिए हुए हैं 1,000 और 1,500। ये एक मेरे किसी भी काम के नहीं है, ये बेकार है मेरे लिए। ये तब मैं यूज करता है जब मुझे सेल्स का कुछ थोड़ा और डेटा दिया हुआ होता है और सेल्स के कोई वेरियंसेस मालूम करे हुए होते। तो ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन खाली यहाँ पर एक यही रेलिवेंट है कि 27,400 यूनिट्स ऑफ जी है। अच्छा चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। सवाल मैंने पूरा पढ़ लिया, इसके अंदर क्या कंप्यूटर वाला मटेरियल प्राइस मिक्स एंड यील्ड वेरियंस निकालना है, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरियंस निकालना है, मटेरियल प्राइस का तो निकलेगा ही नहीं, ओवर अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स एंड एनालाइज इनटू वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरियंस एंड फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरियंस। अच्छा सुनो, जब भी हमारे पास मिक्स एंड यील्ड का सवाल आएगा ना, तो सबसे पहले एक काम ये कर लिया करो कि एक स्टैंडर्ड बना लिया करो। स्टैंडर्ड कैसे बनता है? एक स्टैंडर्ड बना लिया करो। अगर मैं एक स्टैंडर्ड बनाने जाऊं, बनाते हैं स्टैंडर्ड, अगर मैं स्टैंडर्ड बनाऊं तो मेरे पास दो रॉ मटेरियल हैं। रॉ मटेरियल कितने हैं? दो, एक है एक्स और दूसरा है वाई। इसका जो स्टैंडर्ड इनपुट है, मिसाल के तौर पे मैं देखूं तो 16,000 केजी मिक्स किए हैं एक्स के, मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो बजट के अंदर दिए हुए आपको वो दिए हुए हैं 16,000 मेरे पास एक्स के एंड 14,000 केजी वाई के। टोटल इनपुट बनता है मेरा 30,000। ये वही वर्किंग मैंने ऊपर की थी, मगर यहाँ पे मैं वापस से इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 3,000। क्यों? क्योंकि बजट में मुझे दिया हुआ है कि मेरे पास 27,000 की एक आउटपुट के लिए बजट बनाया गया था। सो मतलब कि ये मेरा नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था, जो कि आपका बनता है 10%। अगर मैं रेट देखूं तो वो मेरे पास है 400 के और 300 के। अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालने जाऊं जो मुझे गिवन भी है, तो मेरे पास इसकी कॉस्ट आ जाती है, मैं बस एक स्टैंडर्ड का थोड़ा कार्ड बनाऊँ ताकि मुझे ये आगे हेल्प करे, वो आ रही है आपके पास 6.4 मिलियन एंड 4.2 मिलियन। तो आपका टोटल क्या आ जाता है? आपका आता है 10.6 मिलियन। इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट, ये मेरा क्या है? ये मेरा है आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट, और ये आपके एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। तो अगर मैं कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट निकालूं, तो सर मैंने 10.6 मिलियन को सिंपल क्या करना है, 27,000 के आउटपुट से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब मेरे पास 10.6 मिलियन को 27,000 से डिवाइड करना, तो मतलब मेरे पास पर केजी ऑफ आउटपुट की जो कॉस्ट लगती है उस पे लगती है 392.59। या मतलब मुझे अगर 1 केजी ऑफ आउटपुट बनाना हो तो उसके अंदर मुझे मटेरियल कितना चाहिए? आपका रॉ मटेरियल मुझे 392.59। अभी मैंने यहाँ पे इसको खाली 2 डेसिमल प्लेसेस में, आगे मैं इस पूरे फॉर्मूला को ही लिखूंगा, ताकि क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है और हमें चीजें मैश करनी पड़ती हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों मटेरियल के टोटल वेरिएंस की। मटेरियल के टोटल वेरिएंस अब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना है, तो आप कहोगे कि सर ये रहा सवाल में दिया हुआ 27,400, ये यहां पे गिवन है 27,400। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है, तो सर आपने क्या कहा? आपने कहा सर सिंपली है इसका, आप क्या करें, जो भी ये आपका फॉर्मूला आया है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 27,400 से। तो मेरे पास एक एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट थी इसकी
एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी वो मेरे पास कितनी थी, वो मेरे पास आई कोई 10,757,037। अब मैं इसको कंपेयर किससे करूंगा, एक्चुअल कॉस्ट से। ये मेरी एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मटेरियल का टोटल प्राइस, इसलिए यहाँ पे बना लेते हैं मटेरियल टोटल वेरियंस। मटेरियल का टोटल वेरियंस मेरे पास एक्चुअल आउटपुट कितना है, छोटा सा एक डेटा बना रहा हूँ। एक्चुअल आउटपुट है मेरे पास 27,400। अब मेरे पास की एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट मेरे पास कितनी थी, 27,400 मल्टीप्लाई बाय 10.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 27,000। मैं इसको एक पूरा पूरा ही लिखूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ये बनती है 10,757,037। अब मुझे एक चाहिए क्या कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी इनकर हुई, वो मुझे अभी गिवन नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो एक्चुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। चलो मैं एक्चुअल कॉस्ट निकालता हूँ। एक्चुअल कॉस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट के लिए बेसिकली मुझे चाहिए एक एक्चुअल इनपुट, कि मेरा एक्चुअल इनपुट कितना हुआ है। मेरे पास आउटपुट कितना है एक्चुअल में, वो है 27,400। और मेरा जो लॉस एक्चुअल हुआ है, एक्चुअल लॉस लूंगा क्योंकि मैं अभी एक्चुअल इनपुट निकाल रहा हूँ, लॉस एक्चुअल हुआ है मेरा 6%। तो इसका जो मैं 6% लूँ तो मेरा निकलता है 1,644। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 6% से, मेरा आंसर आ गया सही है। मतलब मेरा जो एक्चुअल इनपुट हुआ है वो हुआ है 29,044 केजीज। ये है मेरा एक्चुअल इनपुट। अभी जो मेरा इनपुट है इसको मैंने किस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, इसने कहा है कि 55 एंड 45। एक्चुअल इनपुट का जो रेशियो था मैंने 55 एंड 45 की बेसिस पे लिया हुआ है। तो अगर मैं इसको एक्स एंड वाई, ये आपका 55% है और ये आपका है 45%। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको 15974.2 और 13069.8। अब इनके स्टैंडर्ड रेट्स क्या हैं, 400 और ये 300। दोनों की अलग अलग क्वांटिटी यूज हुई है तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करा, मैंने इसको जो हमारा एक पर यूनिट का एक वो आ रहा था। अब जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 6389 680 और ये 3920940। मतलब ये मेरा टोटल कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया एक्चुअल, जो मेरे पास ये कॉस्ट आ गई, ये मेरे पास रेट है, ये एक्चुअल इनपुट है एक्स एंड वाई का, ठीक है 310620। अब मैं क्या करूँ, इसको ले जाऊँ ऊपर, मुझे यही चीज़ चाहिए थी कहाँ पर, यहाँ पर। तो मेरे पास ये आ गया, अब मेरे पास क्या आया ये, अच्छा सीरियस आया 446417 फेवरेबल आया आपके पास, ये फेवरेबल वेरियंस आया। अब यही आपका टोटल वेरियंस है और यही आपका इक्वल है यूजेज वेरियंस के, क्योंकि बच्चों आपको मटेरियल का प्राइस का वेरियंस नहीं दिया हुआ। अब आपको मैं यूजेज वेरियंस का एक और तरीके से भी निकालना सिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से हम निकालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी सवाल के अंदर ऐसा हो तो आप यूजेज वेरियंस इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यूजेज वेरियंस। आपके पास एक्चुअल आउटपुट कितना था, आउटपुट आपके पास था 27,400 का, रिक्वायर्ड आपको बेसिकली कितना था इसके लिए, रिक्वायर्ड अगर मैं बात करूं तो मैं कहूं यार अगर 27,400 यूनिट हैं
और मेरा 10% लॉस हो जाता है, तो बेसिकली मैं इसको ग्रॉस अप करूँ तो डिवाइड बाय 0.9 करूँ, ताकि मुझे पता चले यार एक्चुअली अगर मुझे ये आउटपुट प्रोड्यूस करना होता तो मुझे एक स्टैंडर्ड का कितना इनपुट करना पड़ता। मैं कहता है 30,444। अब मैं इसका एक परफॉर्मा बनाता हूँ, रॉ मटीरियल एक्स और ये वाई। इसका जो रेशियो है वो क्या है, वो है 16,000 और ये है 14,000, जो उन्होंने दिया हुआ था बजट के अंदर। क्या स्टैंडर्ड रेशियो मेरे पास इतना होना चाहिए, सही है। अगर मैं इस रेशियो के हिसाब से इसको करता, इसको अगर मैं इस हिसाब से करता तो मेरे पास, इस रेशियो के हिसाब से करता तो मेरे पास स्टैंडर्ड जो मेरे पास आता, जो मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करता, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज में कितनी यूज करता इसकी, करता 16237.3 राउंड फिगर दे रहा हूँ ताकि बाद में इसको मैच कर सकें, और ये आ गया आपके पास 14207.407। अब आपने एक्चुअल में क्या करा, एक्चुअल में आपने क्या क्वांटिटी यूज की, एक्चुअल में आपने ये वाली हरकत कर दी, तो एक्चुअल में जाके यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट कर दो, तो ये एक्चुअल आपका कितना आया 15974.2 एंड 13069.8। मतलब मुझे मेरे हिसाब से 30,444.44 की इनपुट करनी चाहिए थी, बट मैंने एक्चुअली कितना करा 29,000, अच्छा काम किया, तो प्राइस भी फेवरेबल आएगा और इनकी स्टैंडर्ड प्राइस 400 और 300, तो मेरे पास जो वेरियंस आया मेरे पास कितना आया 105135 एंड इसका आया 341280। भाई वेरियंस वगैरह को ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, आई होप इतना तो आता ही होगा आपको, 446417। अब इस वेरियंस के मेरे पास है ना दो रीजन है, इस वेरियंस के मेरे पास दो रीजन है। एक तो ये कि जो इनपुट क्वांटिटी आपको यूज करनी चाहिए थी, आपको जो इनपुट क्वांटिटी यूज है उससे आपने एक डिफरेंट क्वांटिटी यूज की, आपने कम यूज की, अच्छी बात है। दूसरा ये कि मिक्स होना चाहिए था कितने पे, 16:14 पे रेशियो में, लेकिन आपने क्या किया, आपने 55:45 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपके दो वेरियंस आएंगे इसके वजह से, जो आपका एक आएगा मिक्स और एक आएगा यील्ड। तो मैं सबसे पहले मिक्स वेरियंस को इससे अलग कर रहा हूँ, मैं मिक्स वेरियंस आपका जो है उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो आपका मिक्स वेरियंस कैसे आएगा, तो मैं निकालता हूँ मिक्स वेरियंस, अब याद रहना मिक्स वेरियंस इज ओनली कंसर्न्ड विद एक्चुअल इनपुट, मतलब 29,044 को अगर मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से मिक्स करता तो एक्स में होनी चाहिए थी कितनी और वाई में होनी चाहिए थी कितनी, तो रॉ मटेरियल आपके पास है एक्स एंड वाई, अगर मैं स्टैंडर्ड मिक्स करता तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था का 15490.13, मतलब अगर मैं 29,044 को मल्टीप्लाई करूं किससे, 16/30 से एंड 14/30 से, तो मेरे पास ये आपके पास आना चाहिए था स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से, ये आपके पास आना चाहिए था और ये आना चाहिए था 13553.87। मगर मैंने एक्चुअल मिक्स क्या करा, एक्चुअल मिक्स मैंने ये वाला करा है, तो मैं इसको भी यहाँ पे पुट इन कर देता हूँ कि 15974.2 और 13069.8। अब हमेशा याद रखना कि इन दोनों का टोटल हमेशा सेम होगा 29044 29044, क्योंकि मैं हमेशा इसको कंसर्न कर रहा हूँ अपने एक्चुअल इनपुट से करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि मैं इतना ही एक्चुअल इनपुट करता अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कितना इनपुट होना चाहिए था और एक्चुअल में मैंने इसको क्या मिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ से इसकी सब्सटीट्यूशन देखूँ तो क्या सब्सटीट्यूशन इसने की है, वही शरबत वाली मिसाल पीछे वाली, इसने क्या करा 484.07 kg एक्स के ज़्यादा यूज़ कर लिए, एक्स के क्या किए हैं इसको करने चाहिए थे कितने
490, 15,490 से 15,974 यूज कर लिए हैं, तो उसने ये गलत काम किया। और इसने क्या करा, इसको ये यूज करने चाहिए थे 13,553, मगर इसने क्या करा, कम यूज कर लिए, तो मेरे पास एक अच्छी चीज हो गई। तो इसका भी हमेशा ही मेरा जीरो का सब्स्टिट्यूट हो जाता है आपस में रेट। इसने महंगी चीज ज्यादा यूज कर ली और सस्ती चीज कम यूज किया, तो आपका ये एडवर्स वेरियंस ही आएगा 400 और 300। तो आपके पास जो वेरियंस आया वो आपके पास आया 193,628 और 145,221, जो टोटल मेरा एडवर्स वेरियंस बनता है 48,407 का एडवर्स। ये मेरा फिर एफ लिख देता हूँ वरना बच्चे बोलेंगे ये एफ। अब मेरा तो एक मिक्स वेरियंस आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना, अब आता है यील्ड वेरियंस। यील्ड वेरियंस निकलता है एक्चुअल मिक्स से। सीधी बात है, हमने मिक्सिंग सही नहीं करी। अगर मैं इसी यूजेज वेरियंस को 100% उठाऊं एंड मैं सिंपली इसमें सिर्फ एक चीज चेंज कर दूं, कौन सी, कि सर ये जो एक्चुअल इनपुट मैंने यूजेज वेरियंस में लिया है ना, एक्चुअल जो आपका इनपुट है उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से मिक्स करता, यानी अगर मैं यूजेज वेरियंस को ही सही स्टैंडर्ड मिक्स के साथ कैलकुलेट करूं तो वो यील्ड वेरियंस बन जाता है। कैसे, चले करके देखते हैं। आपका आ गया यील्ड वेरियंस, मेरे पास है रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैंने सिंपली क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी यहीं से उठा लेनी है, सही है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 162,37.037 और ये आ गया 14,260.407। एक्चुअल में मैंने क्या हरकत की, एक्चुअल में मैंने क्या करा, 15,490.13 यहाँ से मैं उठा के डेटा डाल रहा हूँ, कि अगर मैं इसको सही से मिक्स करता तो 14,207.407। मतलब कि सर ये जो एक्चुअल इनपुट मैंने यूजेज वेरियंस में लिया है ना, उसकी जगह मैं एक्चुअल इनपुट को, जो मेरा एक्चुअल इनपुट था उसको मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से मिक्स करता तो मेरे पास क्या आ जाता, यील्ड वेरियंस। तो मैं इसी से इसको करूँगा कि आपके पास रेट है कितना 400 और 300 का, तो आपके पास इसका वेरियंस आ गया 298,763 और ये आ गया 196,061। मतलब यील्ड वेरियंस का आपका पॉजिटिव आया है 494,824। अब आप इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 446,417। एक और तरीका है यील्ड वेरियंस का, मेरे पास एक्चुअल इनपुट कितना है, मेरे पास एक्चुअल इनपुट है 1 आवर वे, और एक दूसरा तरीके से यील्ड वेरियंस निकालता है, मेरे पास एक्चुअल इनपुट है 29,000। ये आसान वे है, मैं यही देसी तरीका ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। आपके पास जो एक्सपेक्टेड लॉस था वो कितना है, एक्सपेक्टेड लॉस मेरे पास कितना था, 10% का था, यहाँ पे हमने निकाला था ना 6% को ना लिख देना, एक्सपेक्टेड लॉस मेरा कितना था, मैंने यहाँ पे करा था ना क्या 10% होगा, मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था कि मेरा 10% लॉस होगा। तो अगर मैं इसका 10% निकालूँ तो कितना बनता है 2904.4। तो मतलब मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो था 26,139.6। ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था कि मुझे इतना आउटपुट निकलता, इतना केजीज या यूनिट्स निकलते, मगर एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली तो भाई मैंने ज़्यादा बना दिया, कितने बन गए 27,400। मतलब कि मेरा ये बनेगा फेवरेबल, मतलब मेरे एक्सेस आउटपुट आ गया देन एक्सपेक्टेड, एक्सेस आउटपुट आ गया देन एक्सपेक्टेड, कितने यूनिट्स हैं ये 1260.4। इसको मैं फेवरेबल लिख रहा हूँ भाई, समझ गया ना, लॉजिक भी समझा कर। रेट मेरे पास, मैं इसका रेट है ना टोटल लूँगा,
मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 27,000। भाई ये यहाँ से आ रहा है, यही था ना मेरा रेट 392 जो 59 जो मैंने निकाला था यहाँ पे, कि पर केजी का स्टैंडर्ड रेट क्या था, क्योंकि मैं इसको एक ओवरऑल कर रहा हूँ, क्लब करके कर रहा हूँ अलग अलग। हाँ, तो एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि दोनों को अलग अलग निकालो, तो आपको इधर से निकालना पड़ेगा, वरना आप टोटल इधर से भी निकाल सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा 494.824, ये आपका आ गया। देख लो सेम है, 494.824, 494.824, 894.824। अब बात करते हैं लेबर की। लेबर में हमें लेबर की बात करते हैं, लेबर का से डायरेक्ट लेबर इंक्रीज वेजेस चाहिए। लेबर में हमें ना कोई 4 से 5 इनपुट चाहिए होते हैं, जो हमें 4 से 5 चीजें चाहिए होती हैं, इसकी वजह से हम ये लेबर का निकाल लेते हैं। एक मुझे चाहिए होता है लेबर के लिए कि स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट सवाल में गिवन है कितना 220 का। एक मुझे चाहिए होता है एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा? एक्चुअल रेट से निकलेगा कि अगर आप 220 को डिवाइड करें 1.08 से, तो आपका बन जाता है 203.7 समथिंग, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 1.12, 12% से आपका इंक्रीज हुआ ना, तो ये मेरा बन जाता है, आपका बनता है 228.15। अब मुझे स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट कितना लगता है? स्टैंडर्ड आवर लेबर आवर मेरे यहाँ 10,000 घंटे लगते हैं, किस पे? 27,000 यूनिट्स पे। तो इफेक्टिवली हर एक यूनिट पे मेरा 0.37 समथिंग आवर्स लगता है। एक्चुअल आउटपुट मेरे पास कितना है? एक्चुअल आउटपुट मेरे पास है 27,400। तो मुझे इस एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिए, इस एक्चुअल आउटपुट के लिए मुझे एक्सपेक्टेड आवर्स कितने लगते हैं? एक्सपेक्टेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसको सिंपली मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 10,148। मैंने टोटल करा है, तो इसलिए शायद आपका थोड़ा डिफरेंस आया। तो आप इसको अगर 27,400 को 27,400 मल्टीप्लाई बाय 10K/27K करेंगे, तो आपका भी इफेक्टिवली यही आंसर आएगा। आपके पास एक्चुअल आवर्स कितने लगे? ये तो आपके एक्सपेक्टेड थे ना, क्या इतने लगने चाहिए? आपने एक्सपेक्ट किया था क्या इस आउटपुट के पास इतने लगने चाहिए? एक्चुअल में आपका क्या हुआ? उन्होंने हराम खोदी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से हमारा क्या था, 5% की एफिशिएंसी बढ़ गई थी यहाँ पे, है ना? आपका कहाँ गया ये रहा, लेबर एफिशिएंसी बाय 5%। जब 5% की एफिशिएंसी बढ़ गई, तो मतलब मैं अगर सिंपली इसको 95% से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 9,641 घंटों में उन्होंने मुझे काम करके दे दिया। जो काम मैंने एक्सपेक्टेड किया था कि यार ये आउटपुट मुझे 10,148 घंटे में बना के देंगे, उन्होंने मुझे 9,641 घंटों में दे दिया। अब मैं ही निकालता हूँ रेट वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस सही है। मेरे पास स्टैंडर्ड रेट क्या था? 220। एक्चुअल रेट क्या था? यहाँ पे निकाल दिया मैंने, मैं बस इस डेटा को यूज करूंगा, वो मैंने कर दिया 228.15। मतलब मैंने ज्यादा पैसे दिए, कितने? 8.15। अब मेरे पास एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्चुअल आवर्स उन्होंने कितना काम किया, तो इसकी वजह से मेरा एक आ गया 77,574 का एडवर्स रेट, एडवर्स हो गया, सही है। अब एक आपका आएगा क्या, एफिशिएंसी क्या क्या, स्टैंडर्ड आवर्स और मेरे पास एक्चुअल आवर्स, एफिशिएंसी मेरा फेवरेबल आएगा क्योंकि इन्होंने 5% इंक्रीज किया है। अब मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड कितने थे?
स्टैंडर्ड आवर्स जो रिक्वायर्ड थे वो थे 10,148, लेकिन उन्होंने एक्चुअली 9,641 घंटे में किया। 10,148 इन्होंने एक्चुअल कितना काम किया, एक्चुअल आवर्स टेकन इन्होंने काम कर दिया 9,641 घंटों में। तो इफेक्टिवली इन्होंने मुझे 507 घंटे की सेविंग दी, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड रेट से। फॉर्मूलाज याद कर लेना भाइयों, भूलना नहीं, ब्लंडर्स मत मार के आ जाना पेपर्स के फेवरेट। अब बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड। मुझे एक बात बताएं, चलो मैं बात करता हूँ किसकी, आपके फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स की। यहाँ पर मैंने एक ओआर रेट निकाल दिया था इनका पहले से ही, कहाँ गया, कैलकुलेट तो किया था यार, ये रहा, ये मेरे क्या है, ओएआर ओवरहेड एप्लीकेशन रेट, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड मेरा 90 रुपये पर घंटा लगता है और वेरिएबल ओवरहेड मेरा 160 लगता है। अब जो डेटा मैंने लेबर के लिए यूज़ किया है, एग्जैक्टली मैं वही डेटा यूज़ करूँगा वेरिएबल एंड वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा लेबर आवर की बेसिस पे मैं एब्जॉर्ब करवा रहा हूँ, एक्सेप्ट रेट्स के मैंने हर एक एक चीज़ वही वाली यूज़ कर लेनी है, यही डेटा यूज़ कर लेना है, सिर्फ मैंने रेट्स चेंज करने हैं इसके, सही है। तो चले मैं इसका यही डेटा यहाँ से कॉपी करके नीचे बना लेता हूँ, वापस को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगा। तो मेरे पास अब आ गया, पहले मैं बना रहा हूँ ओवरहेड्स के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए बेसिक डेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। पहले मैं वेरिएबल के लिए वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि आपके फिक्स तो आवर्स की बेसिस पे कभी वो नहीं होंगे, फ्लैक्स नहीं होंगे, बजटेड वो जो आपके होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसको फ्लैक्स नहीं करते फिक्स को। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए मेरे पास एक स्टैंडर्ड प्राइस है, कितनी है, 160। एक्चुअल जो आपकी प्राइस है, जो एक्चुअल जो आपकी रेट है वो आपका 6% से ऊपर हुआ है, 6%। तो उसको मैं अगर उससे मल्टीप्लाई कर दूँ 1.06 से, मैं बताता है 169.6 स्टैंडर्ड आवर्स जो मुझे पर यूनिट पे लगता है। ऊपर से डेटा कॉपी कर रहा हूँ, वो मिलता है मुझे 0.37 आवर्स। एक्चुअल आउटपुट मेरे पास कितना है, एक्चुअल आउटपुट है मेरे पास 27,400, और एक्सपेक्टेड आवर्स मेरे कितने लगने थे इस एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए, तो मैं एक्सपेक्टेड आवर्स लगने थे 10,148, बट मेरे लेबर ने अच्छा काम किया, उसकी वजह से एक्चुअल आवर्स आ गए मेरे 9,641। अब मैं पहले बनाता हूँ वेरिएबल ओवरहेड का, फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर जिस तरह लेबर का कैलकुलेट हुआ इसी तरह इसका भी कैलकुलेट होगा, बस आपके रेट्स चेंज हो जाएंगे। फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, आपका स्टैंडर्ड रेट क्या था, आपका स्टैंडर्ड रेट था 160, एक्चुअल में आपने कितना रेट पे किया, 169.6। खराब काम किया यार, ज़्यादा पे करना पड़ गया, कितना, 9.6। इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्चुअल आवर से जो उन्होंने काम किया है, वो कितना क्या है, 9,641 घंटों में इन्होंने मुझे ये 27,400 यूनिट बना के दिए, तो मेरे पास ये आ गया एडवर्स 92,594 का एडवर्स वेरिएंस एक्सपेंडिचर का। अब मैं देखता हूँ फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या है, सेम ही है जिस तरह आपका उसका निकला, आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स होने चाहिए थे 10,148 घंटे, उसमें आपको ये आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए था, मगर आपने एक्चुअल आवर्स कितने लिए, 9,641। अच्छा काम किया, 507 घंटे आपको बचे, और आपका स्टैंडर्ड रेट क्या था, स्टैंडर्ड रेट था मेरे पास 160 का, तो मेरे पास जो आपका एफिशिएंसी वेरिएंस आया वो आया 81,120 का फेवरेबल। अब आपके पास एक और डिफरेंस है,
फिक्स्ड ओवरहेड का, फिक्स ओवरहेड की हम वेरियंसेस निकालते हैं, हम बात करते हैं फिक्स ओवरहेड की। आपके पास एक बजटेड एफओएच था, वो कितना था? बजटेड था आपके पास 9 लाख, सवाल में गिवन है। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में 6% ज्यादा लगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करूं 1.06 से, तो मेरे पास आ गया 954,000 का। मगर सवाल में उसे मुझसे ओवर अंडर अप्लाइड भी पूछा है, चलो मैं ओवर अंडर अप्लाइड निकालता हूँ कि कितना मेरा ये ओवर अंडर अप्लाइड हुआ है। तो मैं ओवर निकालता हूँ टोटल वेरिएंस, आपका टोटल वेरिएंस निकालते हैं पहले, टोटल वेरिएंस ओएआर पर यूनिट कितना था? ऊपर आपके पास सच लगा, आप भी बना देता हूँ 900,000 / 37,000। ये आपका पर यूनिट, ऊपर मैंने आवर्स की बेसिस पे निकाल रहा, मैं आपको ये दोनों तरीकों से बताऊंगा कि ये आपका पर यूनिट और पर आवर की बेसिस पे कैसे होगा। पहले मैं इसको पर यूनिट की बेस पे देखता हूँ, ठीक है। ओ यार पर यूनिट मेरे पास था 33.33 रुपये, अच्छा ठीक है। मैं एब्जॉर्ब कितना करवा सका, एब्जॉर्ब मेरा ओवरहेड कितना हो सका 33.33, और मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना था 27,400। मतलब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास, अगर मैं इसको एक्चुअल में इसको लूंगा यहाँ पे 9,27,000 को बेसिकली मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में वाली फिगर गिवन है, तो ये आ गया मेरे पास 9,13,333। एब्जॉर्ब मैंने इतने करवा दिए, एक्चुअल मेरे पास एफओएच कितना हुआ? एक्चुअल मेरे पास आया 954,000, ज़्यादा आ गया, तो मेरे पास ये एक एडवर्स अंडर अप्लाइड आ गया। ये क्या आ गया? 40,667 को, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, अंडर अप्लाइड, अंडर 67 कहते हैं, अंडर अप्लाइड, ये मेरा अंडर अप्लाइड आ गया 40,677 का। अब इसकी दो वजहें होंगी, एक तो आपके पास आ रही होगी क्या एक्सपेंडिचर, एक में एक्सपेंडिचर सबसे आसान वेरियंस एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना होना चाहिए था और कितना हुआ, फैक्ट्री फिक्स्ड एक्सपेंडिचर वेरियंस, सही है। आपके पास होना चाहिए था 9 लाख का, हुआ कितना 954,000 का, तो आपके पास 54,000 का एडवर्स वेरियंस आ गया, ठीक है। अभी हम निकालते हैं वॉल्यूम, अब वॉल्यूम मैं निकालूंगा दोनों पे, यूनिट्स पे भी और आवर्स पे भी। अभी हम यूनिट्स वाला कर रहे हैं तो पहले मैं इसको यूनिट्स पे निकालता हूँ, फिर तो आपको आवर्स वाला भी दिखा दूंगा मैं जस्टिस सर अली की मोहब्बत में। तो ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट्स आपके पास कितने, मैंने कहा था कि यार 27,000 यूनिट्स बना के दे दो बजट के अंदर, इन्होंने अच्छा काम किया, इसने एक्चुअली क्या कर दिया इन्होंने, एक्चुअली इन्होंने कितने यूनिट्स बना के दे दिए मुझे, इन्होंने एक्चुअली बना के दे दिए 27,400 यूनिट्स, मतलब 400 यूनिट्स मुझे ज़्यादा बना के दे दिए एक्सेस, अच्छा काम किया। सो मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, स्टैंडर्ड ओएआर से, पर यूनिट स्टैंडर्ड ओएआर पर यूनिट आपका कितना है 9 लाख डिवाइडेड बाय 27,000 यूनिट्स, तो इसको मैंने किया तो मेरे पास ये आ गया 13,333 फेवरेबल। इन दोनों को मैं एड बैक करूं तो मेरे पास ये 40,667 नेगेटिव आता है। अगर इसी वेरिएंस को आवर्स की बेसिस पे निकाले जाए, अब हम करते हैं आवर्स की बेसिस पे, तो ये बात याद रखना, कान खोल के याद रखना कि जो एब्जॉर्ब्ड होगा वो मैं मल्टीप्लाई करूंगा अलाउएबल आवर्स से, एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई नहीं करना, एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई नहीं करना जब आवर्स की बेसिस पे जाओ,
जब आवर्स की बेसिस पर जाओ, ये बच्चे ब्लेंडर मार के आते हैं कि आवर्स की बेसिस पे जाते हैं, और ये क्या करते हैं एक्चुअल आवर्स से कर लेते हैं। इसको मैं पूरा एक्चुअल लिख दूं कि अलाउएबल भी ऐसे ही आता है, एक्चुअल आवर्स से नहीं करना, अलाउएबल आवर्स, कि मेरे को इस चीज़ के लिए कितने आवर्स रिक्वायर्ड थे, क्योंकि जो मेरा एक्चुअल आउटपुट लगने चाहिए थे, एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी का इम्पैक्ट मैं इसके अंदर कभी भी नहीं डालता, कि उन्होंने कितना एफिशिएंट काम किया कितना इनएफिशिएंट काम किया मैं इसके अंदर नहीं डालूंगा जब मैं आवर्स की बेसिस पे आऊंगा। तो चलें मैं अगर एफओएस निकालता हूँ आवर्स की बेसिस पे, तो मेरे पास आवर की बेसिस पे मेरे पास OAR पर आवर कितना था, 90 का 9 लाख था दोस्तों। 10 घंटे मेरे पास, 10 घंटे का मैंने एक्सपेक्टेड किया हुआ था। अलाउएबल आवर्स कितने थे मेरे पास, ऊपर गिवन है कि इसी आउटपुट के लिए मुझे इतने आवर्स चाहिए वो थे, ये रहा आपका एक्सपेक्टेड आवर्स, मुझे था कि 10,148 मैंने अलाउ किया था कि स्टैंडर्ड के हिसाब से इतने घंटों में मुझे ये काम करके दे दो। उसको यहाँ पे वापस बना लेता हूँ, 10,000 घंटे 27,000 यूनिट्स के लिए, तो आपका अलाउएबल आवर्स आ गया कितने कितने आपको चाहिए थे, 10,148.15 घंटे। अब अगर मैं इसको सिंपली से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ गया, उसको मैं से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 9,13,333। एक्चुअल में उन्होंने क्या करा, एक्चुअल में पता एफओएस कितना आ गया, 9,54,000। मेरे पास एक एडवर्स आ गया 40,667। ये एग्जैक्टली सेम है किसके, सेम एग्जैक्ट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, समझना है, वापस रिकॉर्डिंग स्टॉप करके पीछे जाओ और वापस सुनो कि मैंने क्या बोला है। आपके पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपको इसके अंदर निकालना है वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर आपका सेम ही रहेगा, वॉल्यूम आवर बेसिस, ऊपर चला मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड आवर्स बजटेड टू वर्क मेरे पास कितने थे, या मैंने कितना इनको स्टैंडर्ड आवर्स दिए थे, मैंने बजटेड किए थे कि यार ये 10,000 घंटे काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल आवर्स इन्होंने इसके अंदर एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी नहीं डालूंगा, मतलब जितना इन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से मैंने इनको अलाउ कितने हुए थे स्टैंडर्ड के हिसाब से, 10,148.15। मतलब मेरे पास एक एब्जॉर्प्शन थी कि मेरे पास 10,000 घंटे की कैपेसिटी होगी और मैं उसके अंदर उसको एब्जॉर्ब करवा दूंगा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा एफिशिएंट काम मेरा अच्छा कर दिया, बुरा तो नहीं किया ना, तो मेरे लिए क्या चीज़ है, एक फेवरेबल चीज़ है मेरे लिए, ये मेरे लिए एक फेवरेबल चीज़ है। एक मिसाल है कि मैंने कहा मेरे पास ये एक पापे बनाने की वो है, ठीक है, मैं इसके अंदर इतने पापे बनाऊंगा और मेरे पास लेबर जो है ना इतने घंटे काम करेगा, मेरा जो गैस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, लेबर मेरे अंदर जाएगा भट्टी के अंदर, पसीना टपकाएगा, मैंने कहा ये हराम को 10 घंटे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने इसको स्टैंडर्ड के साथ देखा, मैंने कहा यार इन्होंने जितना मुझे आउटपुट निकाल दिया ना, मैंने जो अज्यूम किया था उसे, मैंने 10,148 घंटे काम कर लिए, मतलब इन्होंने अच्छा काम करके दे दिया, ज़्यादा इन्होंने काम करके दे दिया जो मैंने एक्सपेक्टेड से था। तो मेरा एक्सपेक्टेड होता क्या, इतने घंटों में करके देते ये लोग, ठीक है, तो मैंने 148 घंटे ज़्यादा पे काम कर लिया, तो मल्टीप्लाई बाय 90। इसके अंदर मैं एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी नहीं डालता, दिमाग में रख लेना, आवर्स की बेसिस पे जा रहे हो तो एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी इनकॉर्पोरेट मत करना। ये आपका आ गया 13,333 फेवरेबल, इन दोनों को हम फीडबैक करें तो आपका आ जाता है कितना, तो आपका टोटल था, आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा, एक्सपेंडिचर आपका वही आएगा, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर कोई चेंज नहीं है, 9,00,-954,000, तो आपके पास आ गया 54,000 का, और वापस इसको ऐड बैक कर लें तो आपका ये इतना ही बन जाएगा 40,667। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी,
फिर भी कोई क्वेरीज हो, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज़ एक एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है, फिर भी कहीं पे कोई इश्यू हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो या मुझे कॉल कर लो इस नंबर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स।